शाम होते कोई भी घर से बाहर निकलता था, अब राज करते हुई थी अभी खड़ी है। आइए लोग सब बोल रहे हैं, एक भी आदमी घर से नहीं निकल पाता था डर के मारे, पूरा का पूरा करवाया। गरीबों का सहायता करते हैं, गरीबों का मान सम्मान कर देता है, मान सम्मान देवे वाला लाली दे देता है। 15 साल में गरीबों का मान सम्मान हाथ धो दिया है। आपको मालूम है कि 9000 नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। बिहार विधान परिषद में जब नीतीश कुमार बोल रहे थे तो खूब हो हल्ला जो है वो हो रहा था। जब नीतीश कुमार जब बोल रहे थे तो विपक्षी खेमे की तरफ से लगातार जो है वो नारेबाजी जो है वो हो रही थी, और नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हुए कहा जब इनकी सरकार थी तो कुछ काम होता था। तो जवाब राबड़ी देवी की तरफ से भी दिया गया कि तुम क्या करोगे, जितना काम हमने किया, हमारी सरकार ने किया, आप उतना काम जो है वो नहीं कर सकते। देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच बिहार विधान परिषद में भिड़ंत होते हुए नजर आ रही है। की विस्तार से बताया है और मैं कुछ बातें रख देना चाहता हूं। आप जानते ही हैं कि जो काम किया गया, आप जानते हैं कि बिहार में कानून का राज कायम है। अब आपको हम बता देना चाहते हैं कि अगर तो हम और कुछ बोलते तभी तो ये लोग अभी बिना मतलब का चर्चा कर रहे हैं, तो आप जरा सा सोच लीजिए क्या हाल था। शाम होते कोई भी घर से बाहर निकलता था, अब राज करते हुई थी अभी खड़ी है। आइए लोग सब बोल रहे हैं, एक भी आदमी घर से नहीं निकल पाता था डर के मारे। आप जानते ही ना हैं, और जब हम लोग सरकार बनाए उसके बाद अब राज में महिला थी और तब भी सेंस नहीं है। आज जो है 11 बजे रात तक महिलाएं घूमती है। जब बनी हुई थी तो कौन महिला घूमती थी, है बिना मतलब का चीज है। तो जब हम लोग आ गए और आ करके जो हम लोगों ने काम किया, तो ही गवर्नर साहब के एड्रेस में जो ये सरकार आई, 5 से लेकर के 10 के बीच में जो काम, 10 से 15 के बीच में काम, 7 निश्चय में जो काम और 7 निश्चय 2 के अधीन जो काम, जल डैश जीवन डैश हरियाली, इन सब चीजों की उन्होंने चर्चा की, तो सब कुछ हुआ। अब आप समझ लीजिए कि इन लोगों का क्या हाल था। कोई पुलिस था, अब पुलिस कितना काम कर रही है, आपस में कितना ज्यादा लोगों को ध्यान रखता, और आप समझ रहे हैं कि ये लोग बड़ा बात करते हैं, तो क्या हाल था। सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल कायम है। पहले कितना झगड़ा होता था, पहले हिंदू मुस्लिम का कितना झगड़ा होता था, अब आप समझ रहे हैं ना। अब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हम लोगों ने खत्म करवाया। अब पहले कोई एक्शन नहीं होता था, तो एक एक चीज किया, एक एक काम हम लोगों ने पूरा का पूरा करवाया। गरीबों का सहायता करते हैं, गरीबों का मान सम्मान कर देता है, मान सम्मान देवे वाला लाली दे देता है। 15 साल में गरीबों का मान सम्मान हाथ धो दिया है। आपको मालूम है कि 9,227 कब्रिस्तानों में 8,519 कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूर्ण हो गई, 300 से ज्यादा चल रहा है, अब बाकी 400 बचा हुआ भी हम लोग एकदम बहुत जल्दी करवाने में लगे। तो ये लोग कोई किया था क्या, कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई थी, खाली झगड़ा होता था, कोई ये लोग का तो काम है।